और अब एक खुशखबरी उन नेटसर्फर्स के लिए जो अनचाही अश्लील तस्वीरों की समस्या से परेशान रहते हैं। देश में पहली बार एक ऐसी तकनीक की शुरुआत होने जा रही है जिससे आपके स्क्रीन पर इस तरह की तस्वीरों पर रोक लगाई जा सकेगी। विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड ने यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी इमेज एनालाइजर के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसे किसी भी तरह की अश्लील तस्वीरों को स्क्रीन पर आने से रोका जा सकेगा। विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड के सीईओ संजीव भवानी ने बताया कि तकनीक किस तरह काम करती है। अगर हम इस इमेज को देखें जो कि एक पोर्नोग्राफिक इमेज कहलाई जा सकती है, तो इसमें पहले स्टेज पे बॉडी आइडेंटिफिकेशन होता है जिसमें जितने नॉन स्किन टोन्स हैं किसी भी ओरिजिन के, किसी भी नेशनलिटी में जो हमारे स्किन के कलर्स होते हैं, उनको ये आइडेंटिफाई करके पहले सिर्फ उसी पे अपने फोकस को रखता है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर एज डिटेक्शन करता है जिसमें स्किन टोन्स की एजेस को डिफाइन किया जा रहा है, और इसके बाद कुछ एडवांस्ड एल्गोरिथम्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहलाई जाती हैं, उनके थ्रू ये बॉडी पार्ट सेपरेशन करता है जिसमें बॉडी के कौन से हिस्से इमेज में आ रहे हैं उन्हें सेपरेट करता है। ये सारे के सारे थ्रू एल्गोरिथम्स डिफाइंड हैं, और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर कर्वेचर एनालिसिस करता है जिसके जरिए यह पता चलता है कि इन बॉडी पार्ट्स के कर्वेचर्स अगर पोर्नोग्राफिक रूप के हों तो उन्हें ब्लॉक किया जाना चाहिए। और फाइनल स्टेज पे कर्वेचर एनालिसिस के बाद यह फेस रिकग्निशन करता है जिससे इमेज का जो फेस ह्यूमन फेस आ रहा हो इमेज में, वो बॉडी के अगेंस्ट लगा के उसके प्रोपोर्शंस फिर चेक किए जाते हैं कि ये बॉडी साइज और प्रोपोर्शंस के थ्रू आ रहा है, स्किन टोन्स उसमें मैच कर रहे हैं और उसकी पोजीशनिंग ठीक है, जिसके जरिए ये पता चलता है कि ये इमेज पोर्नोग्राफिक है या नहीं। जब स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो ये इस स्पीड पे सारी इमेजेस स्कैन हो रही हैं जिसमें क्लीन इमेजेस आपके लेफ्ट हैंड वाले फोल्डर में आती जा रही हैं, सस्पेक्ट इमेजेस दूसरे फोल्डर में जाती हैं, पोर्नोग्राफिक तीसरे में, और इसके बाद ये हमें समरी आ जाती है जिसमें ये बताता है कि ये टोटल फाइल उसने इस केस में 148 स्कैन किए जिसमें से 128 क्लीन रिजल्ट्स थी और 20 रिजल्ट्स पोर्नोग्राफिक थी। इसे सीईओ जो कि बता रहे थे कि किस तरह से ये साइट काम करती है। हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने विशेष इन्फोटेक्स के सीईओ से इस बारे में बातचीत भी की। बात करते हैं विशेष इन्फोटेक्निक्स के सीईओ संजीव भवानी साहब से। संजीव जी, ये आपने पूरा डेमो दिखाया, कितना इफेक्टिव रहेगा ये भारत में सिंस आप इसको अब लॉन्च कर रहे हैं? इफेक्टिवनेस टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज्यादा है, हमें 95% से ऊपर अभी तक रिजल्ट्स मिले हैं और इसकी इम्प्रूवमेंट्स हम बाकायदा किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी नई है, साइबर पोर्नोग्राफी का जो क्राइम है उसको रोकने के लिए कितना मददगार साबित हो सकता है, और क्या आप पुलिस की सहायता करेंगे इसमें? पुलिस की तरफ से कोई पहल हुई है आपको संपर्क करने की? जी, पुलिस से हम जरूर बात करना चाहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, इन सारी चीज़ों में, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो कि बहुत ही हानिकारी हो सकती है हमारे देश के लिए, उन सब से हम बात करना चाहेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में। जाहिर सी बात है कि आपका जो ये नया टेक्नोलॉजी है इससे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी आप जब समझा रहे थे, आपने बोला था कि टेलीविजन इंडस्ट्री भी इसको प्रयोग कर सकता है, किस तरह से टीवी के काम आ सकता है ये? देखिए, तरीका वही है, डिजिटल ट्रांसमिशन जहां पे भी है उस डिजिटल ट्रांसमिशन में इमेजेस को हम रियल टाइम में, मतलब इमेजेस के चलते हुए ट्रांसमिट होते हुए हम उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपके वीसेट में भी आ सकती है, आपके सेट टॉप बॉक्स में भी आ सकती है, जिसके थ्रू पेरेंट्स कुछ चैनल्स पे इसे एक्टिवेट कर सकते हैं बाय टाइम ऑफ डे। और एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे कैटरीना कैफ की और